जय जगन्नाथ। हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फिजिक्स प्रेप। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसेल फंक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस बेसेल फंक्शन आई वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएचयू एमएससी एंट्रेंस देन फॉर यू वी अपलोड ए वीडियो सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर बीएचयू एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन एवरी डे एट 8 PM। इट इज helpful not only for BHU MSc entrance but also for other MSc entrance like SCU, JNU, DU, CUCET, CPUT. And another important information for you, if you are preparing for Odisha Common PG entrance test, then for you we upload video solution of previous year Odisha Common PG entrance question paper. Please watch this video regularly from Monday onwards. Okay, let us discuss Bessel function. So Bessel function kya hai? Suppose x square d square y by d x square plus x into dy by dx plus x square minus n square y equals to b. This is your Bessel's function. It's called Bessel's function. Bessel's differential equation. Bessel's function are involved in the oscillatory motion of a hanging chain Euler's theory of a circular membrane the elasticity the fluid motion the potential theory potential theory और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में मैं बताऊंगा, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, सपोज जे माइनस एन एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस वन टू द पावर जे एन एक्स, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप कैसे निकालेंगे, सपोज क्वेश्चन पूछे कि जे माइनस थ्री ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर थ्री जे थ्री ऑफ एक्स, दैट मीन्स योर कितना हो जाएगा, माइनस जे थ्री ऑफ एक्स। ठीक है, एंड जे माइनस फोर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर फोर जे फोर एक्स, माइनस वन टू द पावर फोर कितना हो जाएगा, वन, ये बन जाएगा जे फोर एक्स। ठीक है, जे फोर और एक पूछ सकते हैं आपको जे वन बाई टू एक्स पूछ सकता है, नहीं ये बी एच यू में बहुत बार पूछ चुका है। एक क्या है फॉर्मूला, टू बाई पाई एक्स साइन एक्स, साइन एक्स
ये भी एक फॉर्मूला बहुत बार जीबीएच में पूछा है, जे माइनस 1/2x कितना हो जाएगा, 2 बाई पाई एक्स कॉस एक्स। और एक जेनरेटिंग फंक्शन, जेनरेटिंग फंक्शन हर बार पूछता है, जेनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, ई एक्स टू द पावर 2 जेड माइनस 1/z क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी एन टू द पावर एन समेशन ओवर एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, समेशन ओवर एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड एन जे एन एक्स। ठीक है, तो बेसल फंक्शन में इतना ही, तो हम डिटेल्स नहीं पढ़ाएंगे, तो जितना आपका एमएस एंट्रेंस के लिए जरूरत है उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, जय जगन्नाथ।